सिनुरा सब कर ए गुड़े रे होए सहजना माया लगा अलगा बा। आप लोग बॉलीवुड टाइप का हिंदी गाना आप कब? हाँ अभी बहुत जल्द आप सभी को बॉलीवुड टाइप का गाना देखने को मिलेगा। बिल्कुल, इसके लिए आपको कभी भी लगे कि अंकुश राजा से मेरा ये हेल्प हो सकता है, अंकुश राजा से बोलने से छोटे भाई या बड़े भाई जो भी है उनको बोलने से मेरा ये काम हो सकता है, तो आप जितने भी नए सिंगर हैं आप बेहिचक अपना बात रखिए। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं राइज अप बिहार। अभी हमारे साथ है बहुत ही अच्छे सिंगर अंकुश भैया। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, राइज अप बिहार देखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। भैया वैसे तो आप लोग बहुत पहले से गाना गा रहे हैं, लगभग बचपन से ही आप लोग गाना गा रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शक हैं उनके लिए आप, मैं चाहूँगा कि शॉर्ट में ही बता दें क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं, तो मैं चाहूँगा कि शॉर्ट में आप बता दें कि आप कैसे स्ट्रगल लाइफ में, कैसे आपको कब लगा कि हाँ अब मैं इंडस्ट्री में आ सकता हूँ, इंडस्ट्री को मैं गाना दे सकता हूँ। पहले तो जब हम लोग को लगा, मतलब बहुत छोटे से मुझे थोड़ा काफ़ी इंटरेस्ट था संगीत में जी, तो पापा मेरे इस चीज़ को आगे लाएं लेकर के आएँ, और मेरे गांव के लोग सारे लोग बहुत सपोर्ट किए। उसके बाद से 2-3 साल हम लोग लगातार पहले संगीत का क्लास किए जी, उसके बाद 2009 में हम लोग का पहला एल्बम आया, नवरात्रि का एल्बम था नमन बनाओ दुर्गा के, और वहां से अभी तक जो चल रहा है आपके सामने। भैया आप तो बहुत पहले से गाना गा रहे हैं लेकिन आपका बहुत अच्छा अच्छा गाना है। अभी आपका एक करंट में गाना आया है जो कि आज ही रिलीज़ हुआ है, माँ बाप के ऊपर, कि माँ बाप कैसे मेहनत करते हैं, कैसे क्या करते हैं, उस गाने के बारे में आप बताइए भैया। बस इस गाने में बहुत ज़्यादा हाथ है हमारे बड़े भैया पवन बेंजू जी के, बड़े भैया छोटू रावत जी के, बड़े भैया रवि पंडित जी के जी, और सारे लोग मिल करके बहुत ही अच्छा वर्क किए हैं। और इसमें बस कुछ नहीं है, हम लोग एक परिवार का, मतलब घर एक मंदिर होता है जी, तो परिवार में हर तरह की चीज़ होती है। जैसे आज के जनरेशन में, आज के परिवेश में हम दोनों भाइयों को लगा कि नहीं, माँ बाप का जो दर्द है वो दिखाना चाहिए। जैसे क्या होता है कि हमारे घर में शादी होने के बाद जब औरतें आती हैं, पत्नी आती हैं, तो प्रेम नहीं रह जाता है, फिर अपने माँ बाप को ऐसे लोग बोलते हैं कि 2 महीना तू रख ला तो 2 महीना हम रख ले, हिस्सा लगा देते हैं ऐसे ऐसे। तो हम दोनों भाइयों को लगा कि नहीं, माँ बाप के दर्द को दिखाना चाहिए हम दोनों भाइयों को। और बस हम इस चैनल के माध्यम से भी कहब कि जे लोग अंकुश राजा ऑफिशियल पे ये गाना के निखी देख ले, एक बार देखी और अगर आँख भर आवे, अगर रूरा वो गाना से रिलाइज होके कि नहीं सच में एक समाज खातिर बढ़िया उद्देश्य बा, ये गाना के माध्यम से समाज के कुछ सीख बा, तो एक बार जरूर शेयर करो ओकरा के। बिल्कुल, आपका मैं देख रहा हूँ कि लगभग 2-3 गाना है जो कि समाज के प्रति आप गा रहे हैं, जैसे आयांश के लिए भी आप लोगों ने गाना गाया था, आप लोग मदद भी किए थे। चलिए भैया बहुत अच्छा आप बात कहें और बहुत अच्छा गाना मुझे भी लगा है, आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। वैसे भैया मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं और इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कमी बेसी कुछ कुछ होते रहता होगा क्योंकि इंडस्ट्री है तो ज़रूर, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या मांग करेंगे आप लोग, क्योंकि अगर कुछ कमी है तो आप बताना चाहे होंगे चाहे सरकार से चाहे जिससे, कि ये चीज़ इंडस्ट्री में होना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री अब बहुत बड़े लेवल पे जा रहा है। हम अभी अपने भोजपुरी इंडस्ट्री से काफ़ी खुश हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रीज में बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनने लगे हैं, बहुत ही बड़े लेवल के ऑडियो बनने लगे हैं, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो कि हमारे भोजपुरी से न होते हुए भी, हमारे भोजपुरी कल्चर से न होते हुए भी आ करके भोजपुरी में इन्वेस्ट कर रही है। बिल्कुल, और हमारा भोजपुरी का ग्राफ बढ़ रहा है, सबसे खुशी की बात है भोजपुरी का ग्राफ बढ़ रहा है। भोजपुरी हमारे जो कलाकार हैं, जितने भी हमारे सिंगर हैं, टेक्नीशियन हैं, जितने लोग हैं सबको काम मिल रहा है, आज के डेट में सारे लोग बिजी हैं। बिल्कुल, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारा भोजपुरी इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है जी। भैया आप लोगों का फिल्म का जो स्टार है और आपका फिल्म अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है जी, और बहुत लोगों का कमेंट ये आता है कि अंकुश भैया का फिल्म, और आपके जो भी इंटरव्यू होता है उसमें फिल्म के बारे में कोई नहीं पूछता है, तो स्पेशली हम आपके फिल्म के बारे में पूछेंगे। मतलब विडम्बना कहिए इसको। बिल्कुल, मैं तेरा आशिक जब रिलीज होने वाला था, जब थिएटर में चारों तरफ लगने वाला था, तब तक लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया थिएटर, और प्रोड्यूसर का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। प्रोड्यूसर का जिसका पैसा लगा रहता है उसको ये रहता है कि मेरा पैसा जल्द से जल्द
मेरे पास रिकवर हो, आए मिले मुझे, क्योंकि पैसा मार्केट में रहता है, फंसा रहता है। तो इसके वजह से यूट्यूब पर रिलीज करना पड़ा मैं 83 को, हॉल में थिएटर में नहीं आ पाया। अभी हम लोग एक पिक्चर कर रहे हैं तू मेरी मोहब्बत है जी, जो कि 15 तारीख से स्टार्ट है। तो आप सब बहुत जल्द आप सबको देखने को मिलेगा ये फिल्म और थिएटर में मिलेगा। तो इस फिल्म को लेकर हम काफ़ी एक्साइटेड हैं, कुछ अच्छा काम हो रहा बा, आप सब जरूर प्यार दे ये फिल्म के जी। भैया आपका फिल्म भी आ रहा है, मैं चाहूँगा कि आपका जो भी फेवरेट गाना हो, वैसे तो आपका सबको जो भी आप लोग गाना गाते हैं वो आप लोग का फेवरेट होगा तो होता होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपका जो भी फेवरेट गाना हो हमारे दर्शक के लिए प्लीज़ दो लाइन आप गा दें। बिल्कुल, देखिए गाना तो बहुत सारा आया हुआ है, और देखिए अगर हम गाए हैं तो कहीं ना कहीं मेरा गाना फेवरेट ही रहा है, तभी गाए हैं, अच्छा लगा है मुझे, तभी गाए हैं। लेकिन फिर भी सिंदूर वाला जो गाना है मेरे दिल के बहुत ही करीब है, तो दो लाइन आपको सुना देते हैं। सिंदूरा सब कर ए गुड़े रे होवे, सिंदूरा सब कर ए गुड़े रे होवे, सहजना माया लगा अलग बा, सहजना माया लगा अलग बा। ये सब चलिए भैया, लास्ट में आप हमारे जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने तरफ से, जो लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं खासकर उन लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग उनके लिए इंस्पिरेशन हो रहे हैं जो भी नई पीढ़ी आ रहे हैं। क्या है कि हमारा भोजपुरी इंडस्ट्रीज बताएं आपको ग्रो कर रहा है बहुत तेज़ी से, और नए टैलेंट आना बहुत ज़रूरी है। नए जितने भी हमारे सिंगर भाई आ रहे हैं, जितने भी नए टैलेंट जितने भी आ रहे हैं, उनको हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो हम लोगों को झेलना पड़ा है दुख, बिल्कुल अपने स्ट्रगल जो ज़्यादा करना पड़ा है, वो आज के लड़के को न करना पड़े, जो अभी आ रहे नए लोग उनको न करना पड़े। इसके लिए आपको कभी भी लगे कि अंकुश राजा से मेरा ये हेल्प हो सकता है, अंकुश राजा से बोलने से, छोटे भाई या बड़े भाई जो भी है उनको बोलने से मेरा ये काम हो सकता है, तो आप जितने भी नए सिंगर हैं आप बेहिचक अपना बात रखिए, और पूरा आप सभी को विश्वास के साथ कहते हैं कि हम दोनों भाइयों से जितना हो पड़ेगा आप लोगों के लिए ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ को झेल चुके हैं, और हम ही नहीं जितने भी कलाकार हैं, और कलाकार ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, जितने लोग होते हैं ना तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं और कठिनाइयों को झेलना होता है, संघर्ष ही जीवन है आपको पता है, तो संघर्ष करके ही सारे लोग आगे बढ़े हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, कॉम्पिटिशन है इसमें, थोड़ा संघर्ष होना भी चाहिए तो ही काम करने का मज़ा भी है। अंकुश राजा को क्या अभी बॉलीवुड से ऑफर आ रहा है, आप लोग बॉलीवुड टाइप का हिंदी गाना आप कब? हाँ बहुत जल्द आप सभी को बॉलीवुड टाइप का गाना देखने को मिलेगा, बहुत सारी कंपनियों से बात चल रही है जो कि आउट ऑफ कंट्री भी जाकर हम लोग शूट करेंगे एल्बम के गाने, तो हमारे भोजपुरी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एल्बम के गाने आउट ऑफ कंट्री जाकर के शूट होने लगे हैं, और हम लोग भी बहुत कुछ नया लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद भैया अपना। राइज ऑफ बिहार देखने वाले सारे दर्शकों को आपका अपना प्यारा दुलारा दोस्त मित्र अंकुश का प्यार भरा नमस्कार।